चलिए सीधा रुक कर देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से सामने आती हुई नजर आई है। आप सभी को बता दूं कि अभी शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस शादियों के सीजन के दौरान लोग जो कपल्स होते हैं वह प्री वेडिंग शूट करवाते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा रावत भाटा के अंदर भी देखने को मिला है, जहां पर प्री वेडिंग शूट चल रहा था पानी के अंतर्गत और वहीं पानी का बहाव इस कदर तक बढ़ गया कि वह पानी के अंदर ही फंस गए। और पानी के अंदर फंसने के बाद में जैसे तैसे एक कैमरामैन जो फोटो शूट कर रहा था वह तो बाहर आया और आकर के पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस ने रेस्क्यू करवाया है उन सभी को और उन सभी की जान भी बचा ली है। लेकिन किस कदर तक वह पानी के बीच में फंस चुके थे और इसको लेकर के वहाँ पे तमाम प्रकार के सवाल निशानियाँ खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार वह बीच में कैसे गए, वह वहाँ जाकर के फंसे कैसे, क्योंकि जब पानी का इतना तेज बहाव था तो उनको बीच में जाना ही नहीं चाहिए था। और 1 दिसंबर की उनकी शादी बताई जा रही है, लेकिन अभी उस शादी के पहले ही पुलिस के अंदर ये मामला दर्ज हो चुका है। आखिरकार ये मामला और क्या कुछ कह रहा है और ये वायरल वीडियोस जो हो रहे हैं इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है, सीधा दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में कोटा से आए युवक युवती को प्री वेडिंग शूट करवाना भारी पड़ गया है। चुलिया फॉल में फोटोग्राफी करवाते हुए दोनों अपने दोस्त और बहन के साथ पानी में फंस गए। फोटोग्राफर जैसे तैसे बाहर निकला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने 3 घंटे में रेस्क्यू के बाद में चारों को बाहर निकाल लिया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में मना करने के बाद भी फोटोग्राफी करवाने पर चारों को थाने लाया गया और दोनों की 1 दिसंबर को शादी बताई जा रही है। थाना अधिकारी राजाराम गुजर ने बताया कि राणा प्रताप सागर बांध का मंगलवार सुबह गेट खोला गया था। चुलिया फॉल में काफ़ी पानी आने से बहाव तेज हो गया तो पत्थरों के बीच चारों ओर गहराई तक पानी भरा हुआ था। इस दौरान कोटा से आए आशीष गुप्ता और उनकी होने वाली दुल्हन शिखा प्री वेडिंग शूट के लिए पहुंच गए। उनके साथ युवक का दोस्त हिमांशु और युवती की मौसी की लड़की मिलन भी मौजूद थी। चारों फोटोग्राफर मुक्ताक के साथ पानी में गए हुए थे। युवक युवती पत्थरों पर बैठकर के फोटो खिंचा रहे थे कि अचानक पानी में उफान आने लगा और फोटोग्राफर ने वापस चलने को कहा, मगर चारों नहीं माने और फोटोग्राफर जैसे तैसे बाहर निकला, मगर कैमरा पानी में गिर गया और घुटनों तक पानी भरा होने और तेज उफान के कारण चारों फंस गए। पानी से बाहर आते ही फोटोग्राफर ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज 19 जयपुर।